वेलकम फ्रेंड्स, 8 मई के इंट्राडे सेटअप के बारे में देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। निफ्टी का बेस डेली का चार्ट जो हम काफ़ी दिनों से देख ही रहे हैं, एक न्यूज़ को हम कवर करेंगे जिससे हमें कुछ लर्निंग मिलेगी। हम रिवर्सल पैटर्न्स देखेंगे आज की मार्केट में हम कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, क्या क्या मौके हमने छोड़ दिए और नेक्स्ट टाइम हम उन मौक़ों को कैसे कैच कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने एक रिवर्सल कैच कर लिया किसी चार्ट का, उस दिन आपको सेकंड ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेड में ही काफ़ी पैसा बन जाता है अगर आपने सक्सेसफुली एक रिवर्सल को कैच कर लिया। और रिस्क भी इसमें बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैच कर सकते हैं किसी रिवर्सल को। और 5-6 स्टॉक्स मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, 3 कल के लिए और 4 में हम पैटर्न्स देखेंगे, लर्निंग करेंगे कि कैसे आज के मार्केट में हमने मिस किया और हम अच्छे ट्रेड ले सकते थे। दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रेड दी ट्रेंड में। मेरा चैनल है ट्रेड दी ट्रेंड 99, फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। दोस्तों जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड है, 8900 टू 9400 के चैनल में ही निफ्टी मूव कर रहा है। रिवर्सल आइलैंड को कंफर्म करता जा रहा है, जैसे कि जैसे बियरिश कैंडल्स आती जा रही हैं 8900 की तरफ। ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में आज देखने को नहीं मिली है, -1% टू 0% के बीच में ही मार्केट ज़्यादातर घूमती रही है दोस्तों। तो ये ट्रेंड अब कन्फर्म होता चला जा रहा है, धीरे धीरे 8900 की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा। कुछ स्टॉक्स दोस्तों ऐसे होते हैं कि जो अपर सर्किट में चलते चले जाते हैं, अपर सर्किट में चलते चले जाते हैं। रुचि सोया इंडस्ट्रीज 1700% गेन कर चुका है। ऐसे स्टॉक्स से आपको दूर ही रहना है जो लगातार अपर सर्किट में चलते चले जा रहे हैं। दोस्तों जिस दिन ऐसे स्टॉक्स के सर्किट ओपन होते हैं तो फिर वो लोअर सर्किट में फंस जाते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, और रिटेलर्स अपना सारा कैपिटल इसमें लूज़ कर देते हैं। एक ट्रेडर के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना कैपिटल बचा के रखना है। कैपिटल है तो ट्रेड कर पाओगे। ऐसे ट्रेड से दूर रहना है जहाँ पे आपको ये 17 गुना पैसा होने का दिखता है। ये सब फिजिबल नहीं है। जो लोग इसमें हैं ठीक है, लेकिन जो इन रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंस जाएंगे, लोअर सर्किट में फंस जाएंगे, अगर 200 प्राइस है, हो सकता है 20 रुपये तक उन्हें बेचने को ही ना मिले 200 रुपये से, सर्किट में ही ये स्टॉक नीचे उतरे। तो एक लर्निंग आज के लिए कि ऐसे स्टॉक से दूर रहें जो हमेशा सर्किट में अप ऊपर नीचे चलता है। बात कर लेते हैं आज के कुछ स्टॉक्स की कि आज हमने क्या मिस किया, कैसे पैटर्न्स थे, क्या हम कर सकते थे आज। सबसे पहले बात करूंगा मैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की। जैसा कि कल न्यूज़ थी कि कुछ कंपनीज अपना स्टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर में बेच रही हैं, तो बड़े ही एक बियर सेंटीमेंट के साथ आज ये स्टॉक ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही ये और बियरिश होता चला गया। लेकिन कुछ लोगों ने, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इसके रिवर्सल को आज बिल्कुल सही पकड़ा। 1902 1905 से उन्होंने इसके रिवर्सल को पकड़ा। लेकिन हम ऐसे रिवर्सल को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? क्या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारी लर्निंग अधूरी है? क्या हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि रिवर्सल को कैसे पकड़ना है? ट्राई करते हैं आज सीखने की कि रिवर्सल को कैसे पकड़ा जा सकता है किसी चार्ट के। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, अगर कोई चार्ट गिरता चला जा रहा है, अगर कोई चार्ट बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में है और एकदम स्टीप फॉल हो रहा है उसमें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले RSI को चेक करेंगे। अगर RSI 20 से नीचे आ जाती है, 20 से अगर RSI नीचे आ जाती है, तो आप फिर वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे उसके रिवर्सल को पकड़ने के लिए। रिवर्सल को पकड़ने का क्या तरीका है? एक तो जहाँ पे आपको एक बड़ी सी वीक मिल जाए, इसे कहा जाएगा कि ये एक डिमांड जोन, आप कह सकते हैं डिमांड जोन होता है जहाँ पे लोग उसको बाय कर रहे हैं, जहाँ से वो वापस आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, अगर स्टॉक गिर रहा है तो वापस जा रहा है। सप्लाई जोन जहाँ पे एक्सेस सप्लाई है, जहाँ पे वो पहुँच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि RSI यहाँ के भी 20 के नीचे आ गई है और यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम बना लिया है। देखिए जहाँ पे भी रिवर्सल होगा वहाँ पे कैंडल्स जो हैं अपनी एक बेस लाइन बना लेंगी, 3 या 4 कैंडल्स भी आपको मिलेंगी जिससे नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। अगर आप वहाँ पे रिस्क लेके छोटा सा ट्रेड करते भी हैं, तो अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं 1902 पे, तो बिल्कुल इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1900 पे। इसमें रिस्क बहुत मिनिमम हो जाएगा आपका। अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो यहाँ पे देखिए कितना रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। यहाँ से यहाँ ये 5-6% बढ़ा है। अगर इसमें आप 3 से 4% भी कैच कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा इंट्राडे के लिए। तो रिवर्सल पैटर्न्स में हम देखेंगे कि सबसे इजी रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है हैमर। हैमर में आपको दिखेगा बहुत बड़ी विक नीचे दिखेगी
और ऊपर एक छोटी सी इसकी बॉडी दिखेगी, फिर कैंडल्स आपको ऊपर की तरफ चलती चली जाएंगी। अगर नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो रही है तो दोस्तों आप बाय कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रख सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि कैंडल्स कॉन्टिन्यूसली बुलिश ही क्लोज होंगे इससे ऊपर ही। एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जहाँ पे भी छोटी सी बात समझने की या रिवर्सल होगा वहाँ पे एक बॉटम लाइन फॉर्म हो जाएगी, बेस बना लेंगी कैंडल्स अपना और वहाँ से ही ये रिटर्न करेंगी। ये पैटर्न देख लीजिए, ये पैटर्न देख लीजिए। तो हम मोटी बात समझने की कि जहाँ पे आपको एक बेस बनता दिखे, ये पोजिशन ऐसे आती दिखे चार्ट की कि नीचे गिरते फ्लैट होता जा रहा है, तो समझिए वहाँ पे आपको एक रिवर्सल का मौका मिल सकता है। दूसरे स्टॉक की आज बात कर लेते हैं, रिलायंस की। ये दोस्तों मेरा फेवरेट पैटर्न है, एक ट्रेंड लाइन के साथ जब स्टॉक चलता है तो इसमें सबसे इजी हो जाता है इंट्राडे में पैसा कमाना। यहाँ पे बस आपको इतना नोट करना है कि ये जो EMA है, 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहाँ पे ये और एक ट्रेंड लाइन मैच होती है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन और EMA मीट होती हैं, जहाँ पे ये मिलती हैं, वहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे एक पंप मिले। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ पे भी ये मीट होंगी ट्रेंड लाइन और EMA, एक ही बात होती है, EMA को भी ट्रेंड लाइन ही का कह सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक पंप ज़रूर मिल सकता है। देखिए 2-3 बार आज आप इसको कर सकते थे रिलायंस को, यहाँ से तो पैटर्न बना नहीं होगा सुबह, तो यहाँ आके ज़रूर आप इसको कैच कर सकते थे 1468 से, मतलब 40 रुपये आज आप इसमें बना सकते थे अगर यहाँ से आप इसको सही कैच किया होता तो। तीसरा मैं स्टॉक बता रहा हूँ, बर्जर पेंट्स। इसमें भी देखिए यही पॉइंट है कि RSI 20 से नीचे आ गई थी, तो काफ़ी लोगों ने इसको यहाँ से रिवर्सल कैच कर लिया था। 20 से नीचे आते ही RSI आपको एक्टिव हो जाना है और यहाँ पे देखना है कि आप इसके रिवर्सल को कैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज PVR की। दोस्तों ये मेरे लाइव सब, ये जो मैंने लगा रखे हैं रेजिस्टेंस, ये लाइव चार्ट में आज लगाए थे, अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कैच नहीं कर पाया। जहाँ पे भी आप देखेंगे कि कैंडल्स बार बार एक ही प्लेस से टकरा रही हैं, रेजिस्टेंस वहाँ पे मिल रहा है और बहुत ही नैरो जोन बनता चला जा रहा है, बहुत ही नैरो जोन यहाँ पे बनता चला जा रहा है आप देखेंगे, तो उस जोन से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे अपनी पोजिशन बना लेंगे, एक बाय लगा के छोड़ देंगे इसके ऊपर। मैं इसको आज कैच नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप इसको नेक्स्ट टाइम से ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बाय लगा के छोड़ देंगे। देखिए आज आपको कितना, 40 रुपये एक शेयर में मिल सकते थे आपको, और अगर 1000 शेयर आपने लिए होते तो 20 मिनट में 40,000 रुपये। ये आपको कहीं भी मिले कि बुलिश या बियर जो भी है, लेकिन ऊपर की तरफ कैंडल्स टकराई जा रही हैं, तो मतलब कोई रेजिस्टेंस है जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, अगर क्रॉस करेंगी तो हाई इंटेंसिटी के साथ करेंगी, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब कल के लिए 2-3 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कल के एक दिन पहले इंट्राडे के स्टॉक्स बताना एकदम से फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सेंटीमेंट्स क्या हैं, क्या रेंज रह सकती है, इसलिए मैं 2-3 स्टॉक्स ले आता हूँ कि क्या सेंटीमेंट है, क्या रेंज रह सकती है। देखिए ITC लगातार गिरता ही जा रहा है, तो ये जो आज सपोर्ट पे आके रुका है ITC, पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 172 से 16 ये जो है फ्री फॉल जोन है, एकदम से कवर होगा, तो अगर आप इस जोन को भी देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही जोन है, अगर 160 से नीचे ITC आता है तो आपको अकॉर्डिंगली डेली की पोजीशन देख के 5 मिनट के चार्ट की और आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक पोजीशन बन सकती है यहाँ पे 155 के अराउंड, यहाँ पे एक सपोर्ट ज़रूर इसे मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये एक और बियर पोजीशन में मुझे नज़र आ रहा है। SBI लाइफ को हम देख सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आया है, एक बुलिश सेंटीमेंट्स है मार्केट में, ट्रेड भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो अगर ये अपना यहाँ पे ये सेमी सर्कल अगर ये पूरा करता है, इस पैटर्न को ये पूरा करता है, तो डेफिनेटली 797 की तरफ ये जा सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको क्या करना है, 750 को क्रॉस करना, जो इसका इसी ट्रेंड में पिछला हाई है, अगर ये 750 के अबव ही ओपन होता है तो इसके लिए बहुत इजी होगा 774 की तरफ चलना। 774 को अचीव करना, इसके लिए ज़्यादा परेशानी इसको होने वाली नहीं है, अगर 750 के अबव ओपन होता है ये, तो 738 पे ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 750 है। थर्ड लेके आया हूँ दोस्तों टाइटन इंडस्ट्रीज। टाइटन में देखिए, वॉल्यूम प्रोफाइल में देखिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अगर ये यहाँ से अगर गिरता है चार्ट यहाँ पे, तो ये एकदम से क्विकली होने वाला है, 848 to 723, ये बहुत क्विकली होगा अगर यहाँ से ये हुआ तो आपको आने वाले 2-3 सेशंस के लिए इन चार्ट्स को देखते रहना है, इन
कंपनीज पे नज़र रखनी है, वॉच लिस्ट में अपने रखना है इन चार्ट्स को, कहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हो। एकदम से आज मैं नहीं बता सकता कि यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, ये टारगेट लगाइए, बस आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि क्या पोजीशंस बन रही हैं और कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। डेली चार्ट्स लेके आता हूँ आपके लिए, चार्ट चार्ट के डेटा बना के लाता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हैंडल को फॉलो कर सकते हैं ट्रेड द ट्रेंड 99। थैंक यू।